दोस्तों सीआरपीएफ का फुल नोटिफिकेशन आ चुका है। सीआरपीएफ की जो भर्ती आई है उसका फुल नोटिफिकेशन आ चुका है। जिन लड़कों को और जिन लड़कियों को नहीं पता है उनको मैं बता दूं, सीआरपीएफ की नई भर्ती आई है। तो इस वीडियो में मैं आपको फुल नोटिफिकेशन दिखाऊंगा, आपको बताऊंगा कि फॉर्म कब से लेके कब तक भरे जाएंगे, वैकेंसी कितनी है, सैलरी कितनी है, सब कुछ आपको इस वीडियो में बताएंगे। क्वालिफिकेशन क्या है सब कुछ आपको इसी वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो पूरी देखना और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना। सीआरपीएफ की नई भर्ती आई है पूरे भारत के लिए, ठीक है, पूरी जानकारी दूंगा। फुल नोटिफिकेशन आ चुका है, एक दिन पहले भी हमने आपको जानकारी दी थी, तब शॉर्ट नोटिफिकेशन आया था, अब फुल नोटिफिकेशन आ गया है। देखिए फुल नोटिफिकेशन हमारे पास पहुंच गया है। आपको सबसे पहले जानकारी देते हैं दोस्तों इस भर्ती में सैलरी कितनी होगी, क्योंकि सैलरी सबको जरूरी है, ठीक है। दोस्तों सबसे पहले आपको सैलरी के बारे में बताते हैं कि आपको सैलरी कितनी मिलेगी, उसके बाद फॉर्म डेट भी बताएंगे, वैकेंसी कितनी है और हाइट कितनी है, सब कुछ बताएंगे। इसमें पूरे भारत के लड़के और लड़कियां फॉर्म डाल सकते हैं। कब से फॉर्म शुरू होंगे और कब तक होंगे सब कुछ बताएंगे। सबसे पहले सैलरी बता देते हैं दोस्तों। पहली जो सैलरी है वो है एएसआई की, बात करें तो दोस्तों 29,000 से शुरू होगी आपकी सैलरी और 92,000 तक होगी, लगभग 90,000 प्लस आपकी महीने की सैलरी होगी इसमें, ठीक है। और दूसरा जो हेड कांस्टेबल का है, इसमें लगभग 25,000 से शुरू होगा और 81,000 तक, लगभग 80,000 तक आपकी सैलरी होगी। और वैकेंसी की बात करें तो लगभग टोटल वैकेंसी दोनों की 1500 प्लस वैकेंसी है, ठीक है, 1500 पोस्ट है पूरे भारत के लिए, जिसमें लड़कियां और लड़के भी अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों हाइट के बारे में बता देते हैं, क्वालिफिकेशन भी बताएंगे कि पढ़ा लिखा कितना चाहिए। सबसे पहले हाइट बता देते हैं, यानी एज बता देते हैं, उसके बाद हाइट भी बताएंगे। एज लगभग दोस्तों जिनकी डेट ऑफ बर्थ लगभग दोस्तों 26/1998 से लेके 25/1/2005 के अंदर है, लगभग 18 से 25 वर्ष जिनकी उम्र है वो फॉर्म लगा सकते हैं जनरल वाले। बाकी जो दोस्तों एससी एसटी है 5 साल की छूट मिलेगी, 25 के आगे 5 साल और जो लेना 30 साल, और जो ओबीसी है 3 साल और छूट मिलेगी, 25 से 3 दोस्तों हो जाएंगे आपके 28 वर्ष, ठीक है। और एक्स सर्विसमैन को भी 3 साल की छूट मिलेगी, ठीक है जी, आपकी हो गई उम्र। अब बात करते हैं दोस्तों हाइट की और फॉर्म डेट क्या है वो भी बताते हैं, ठीक है। दोस्तों अगर आपको सीआरपीएफ का जो ये भर्ती है इसका सिलेबस चाहिए तो नीचे कमेंट कर देना, मैं वीडियो बना दूंगा, ठीक है। दोस्तों जो लड़के हैं, ठीक है, उनको 165 सेंटीमीटर हाइट चाहिए, ठीक है। अगर आपका इसमें राज्य आ रहा है, जैसे कि दोस्तों देखिए जहां पर जम्मू कश्मीर भी है, हिमाचल प्रदेश भी है, लद्दाख भी है और नागालैंड अरुणाचल प्रदेश, तो अपना राज्य देख लीजिए, अगर आप इनसे आ रहे हो तो 162 सेंटीमीटर चाहिए, ठीक है। और सभी राज्यों के जो एसटी हैं उनको 162 सेंटीमीटर हाइट चाहिए, लड़कियों को, ठीक है, 155 सेंटीमीटर। और मैं आपको बता दूं, लड़कियां अगर इन राज्यों से आ रही हैं, देखिए इस कॉलम में आपको अभी बता देता हूं, अगर इस कॉलम से आ रही हैं तो 150 चाहिए, 150 सेंटीमीटर हाइट चाहिए, ठीक है। अगर आप इन राज्यों से आ रहे हो तो 150 सेंटीमीटर हाइट चाहिए, ठीक है। तो फॉर्म डेट बता देते हैं, उम्र भी बता दी है, फॉर्म डेट बता देते हैं। तो फॉर्म डेट दोस्तों, फॉर्म डेट की बात करें तो आपके जो अप्लाई होंगे वो 4/1/2023 से शुरू होंगे, 4 जनवरी 2023 से शुरू होंगे, और जो लास्ट डेट है, ठीक है, फॉर्म की जो लास्ट डेट है वो 25 जनवरी 2023 को लास्ट डेट है। तो जल्दी से जल्दी सभी लड़कियां और लड़के अपना फॉर्म डालें, और आपका जो ऑनलाइन कंप्यूटर पे एग्जाम होगा वो 15 फरवरी 2023 को आएगा, ठीक है, आपका एग्जाम होगा पहले, और जो एग्जाम डेट है वो आपकी 22 से लेकर 28 फरवरी 2023 को है, ठीक है, एग्जाम होगा आपका पहले कंप्यूटर पे। तो अगर आपको सिलेबस चाहिए तो मैं आपको बता दूंगा। क्वालिफिकेशन मैं आपको बता दूं कि जो आपकी क्वालिफिकेशन है वो आपकी 12 पास होनी चाहिए सिंपल, ठीक है, इसके लिए सिंपल 12 पास आप होने चाहिए। अगर आपकी 12वीं पास है तो आप फॉर्म डाल सकते हो, ठीक है। आज की वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।